हमारे देश में रोज हजारों की संख्या में अलग अलग जगहों से लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। रेलवे परिवहन हमारे देश में यात्रा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और ऐसे में अक्सर जब हम ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें स्टेशन पहुंचने में लेट हो जाता है और हमारी ट्रेन छूट जाती है। इससे यात्री को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर आपके साथ आपका परिवार भी यात्रा कर रहा है तो ये परेशानी और बढ़ ही जाती है। ट्रेन छूट जाने के कारण यात्री को अपना बोर्डिंग स्टेशन भी चेंज करवाना पड़ता है, और कभी कभी इसके लिए उसे जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने इस तरह की असुविधा के लिए एक समाधान खोज निकाला है। दरअसल में अब अगर किसी यात्री के साथ ऐसा होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, अब आपकी ट्रेन नहीं छूटेगी। अब आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बड़ी आसानी के साथ बदल सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। दरअसल में IRCTC ने यात्रियों के लिए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को बदलने का विकल्प दिया है। इस सुविधा का लाभ वही यात्री उठा सकते हैं जिन्होंने अपना रेल टिकट ऑनलाइन बुक किया है। अगर यात्री किसी ट्रेवल एजेंट के माध्यम से अपना टिकट बुक करवाते हैं तो उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं हो पाएगा। दरअसल में यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन यात्रा शुरू करने के 24 घंटे पहले तक बदल सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप अपना बोर्डिंग स्टेशन एक बार बदलते हैं तो इसको दोबारा नहीं बदल सकेंगे। अगर बोर्डिंग स्टेशन बिना बदले दूसरे स्थान से यात्रा करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर बोर्डिंग स्टेशन हम कैसे बदल सकते हैं, तो इसके लिए आइए जानते हैं कैसे बदलें बोर्डिंग स्टेशन। इसके लिए सबसे पहले तो यात्री को IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC.co.in पर विजिट करना होगा। अब होम पेज खुलते ही आपको अपनी ID और पासवर्ड डालना होगा। लॉगिन करने के बाद बुकिंग टिकट हिस्ट्री में जाएं, अपनी ट्रेन सेलेक्ट करें और चेंज बोर्डिंग पॉइंट पर जाएं। अब एक नया पेज खुलेगा, इसके बाद आप अपना नया बोर्डिंग स्टेशन डालें। जब यात्री अपना नया बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट कर लेगा तो सिस्टम कन्फर्मेशन मांगेगा। कन्फर्मेशन के लिए ओके का बटन प्रेस करके सबमिट कर दें। अब आपका बोर्डिंग स्टेशन बदल गया है, इसका आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए laluram.com। शुक्रिया।